और कोविड से उबर रही दुनिया के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। चीन में एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है जिससे WHO के भी हाथ पैर फूल गए हैं। इसके चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। इन मरीजों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये बीमारी बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रही है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। WHO ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। चीनी प्रशासन ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य कर दिया। और अब शेयर बाजार से लेकर सराफा बाजार तक का हाल। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 5 अंक गिरकर 66,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 10 पॉइंट नीचे 19,802 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 61,474 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 73,180 रुपए पर कारोबार किया। AI सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबे ने बेंगलुरु के AI स्टार्टअप रिफ्रेश AI का अधिग्रहण कर लिया है। रिफ्रेश AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। अडोबे ने इस साल मार्च में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में आने की घोषणा की थी। 2019 में रिफ्रेश AI स्टार्टअप को शुरू किया गया था। बेंगलुरु बेस्ड ये स्टार्टअप टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन का फीचर देता है। ये वीडियो मेकर्स को प्रोफेशनल वीडियो क्लिप बनाने में मदद करता है। AI रिसर्च कंपनी OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT पर सभी यूजर्स के लिए वॉइस फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए ChatGPT अपनी आवाज में आपसे बातें कर पाएगा। कंपनी सितंबर में इस फीचर को लेकर आई थी, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ प्लस और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल था। अब सभी यूजर्स ChatGPT पर सवाल पूछने, फीडबैक रिसीव करने और लगातार बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड्रॉयड और iOS दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप इस फीचर को इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में प्लस का मंथली सब्सक्रिप्शन 1,999 रुपए का है। स्विगी और जोमेटो को GST ने 750 करोड़ का नोटिस थमाया है। इसमें 400 करोड़ का नोटिस जोमेटो और 350 करोड़ का स्विगी को भेजा गया है। ये रकम जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच की है। इनके डिलीवरी चार्ज पर 18% का GST लगाया गया है। दोनों पर ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज के नाम पर कमाई करने और उस पर टैक्स नहीं भरने का आरोप है। GST नोटिस पर कंपनियों ने सफाई देते हुए कहा है कि डिलीवरी चार्ज डिलीवरी पार्टनर्स को दिया जाता है।